guys, click the subscribe button. Press the bell icon on YouTube apps and never miss any updates. कुछ टेररिस्ट ने सेंट्रल स्कूल के 13 बच्चों को किडनैप कर लिया। जरा सोचो, उनके मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी? उन लोगों का मांग है, अगर उनका साथी अजरुद्दीन शेख को आज जेल से जल्द नहीं छोड़ा गया, तब हर एक एक घंटे पे एक एक बच्चे को मार कर वो लोग सरकार को पार्सल भेजेंगे। अभी देखते हैं कि सरकार टेररिस्ट के मांग पूरा करते हैं या दूसरा कोई ऑप्शन सरकार के पास है। अभी हमें पता चला है कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का बैठक हुआ है। देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है। सूत्र के अनुसार उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू किया जाएगा। पूरा इंडिया के लिए खुशखबरी, सेंट्रल स्कूल के जो बच्चे किडनैप हुए थे सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सारे आतंकवादी मारे गए, लेकिन एक दुख की बात यह है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीक्रेट मिशन था जिसे ऑपरेट कर रहे थे हमारे जवाज ऑफिसर अर्जुन सिंह। हमारे देश के जवाज ऑफिसर अर्जुन सिंह बच्चों को बचाते हुए खुद शहीद हुए, लेकिन किसी भी बच्चे के ऊपर आँच आने नहीं थी। काश ये मेरा भाई होता, मैं उनके कलाई पर एक दिन अगर राखी बंध देती तो मुझे बहुत गर्व होता। देश के इस वीर जवान के ऊपर हमारे देश को गर्व है। अर्जुन सिंह इंसान नहीं है, देवता है, देवता। अर्जुन सिंह सिर्फ एक परिवार के नहीं, पूरा देश का सन ऑफ इंडिया है। कितना खुशनसीब होगी ओ माँ, जिसका कोक से अर्जुन जैसा बेटा पैदा हुआ। अर्जुन सिंह भारत माता के बोल लाडला, जो हम लोगों को छोड़कर माँ के आगोश में सो गए, हम लोगों को खुशियाँ दे के। काश ये मेरा भाई होता तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। धन्य है वो पत्नी जिसका मांग में अर्जुन सिंह के नाम का सिंदूर है। काश ये मेरा पति होता तो मैं उसका विधवा बनकर सारा जीवन उनकी पूजा करती। ऐसे जाबाज ऑफिसर को मेरा कोटि कोटि नमन है। अर्जुन अंकल, अगर मेरा पापा होता तो कितने अच्छा होता ना मामा। हाँ बेटा, मैं भी बड़े होकर अर्जुन अंकल जैसा जवाब ऑफिसर बनूंगा। देश को अगर जरूरत पड़ा तो मैं भी अर्जुन सिंह की तरह देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। तुम कभी मर नहीं सकते पापा, तुम मुझको नहीं छोड़ के जा सकते पापा।